ऐसा लग रहा है आज कुछ बहुत बड़ा धमाका आने वाला है सोसाइटी में जो आज तक तो नहीं हुआ। नमस्कार जी। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपको वापस सोसाइटी में देख के। मुझे भी सोसाइटी में वापस आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत मिस कर रहे थे मैं मेरी बहू को, मेरे बेटे को। अब साइन। अच्छा इधर ही करना है ना। अच्छा सुन ना, ये नीचे गाड़ी है उसमें मेरा सारा सामान है, उधर लेके आना ऊपर। ठीक है जल्दी आ जा। ड्राइवर चला जाएगा नहीं तो वैसे ही मेरा सारा सामान लेके। हेलो, पहचाना कि नहीं मुझे? पहचान गए, आपके हंसे किसी याद नहीं रहेगी। हाँ वो बात तो है, पहले के जमाने में राक्षसों की और इस जमाने में आपकी कोई नहीं भूल सकता। क्या हंसे? आपको देख के अच्छा लगा। वैसे मुझे भी काफी अच्छा लगा वापस सोसाइटी में आके। बहुत मिस कर रही थी मैं मेरे बेटे को, बहू को। वो दोनों तो बिल्कुल याद नहीं कर रहे थे आपको। बुरा मत मानना पर कभी ऐसा नहीं बोला माँ की याद आ रही है, लड़की कभी ऐसा नहीं बोली सासू माँ की याद आ रही है। अपनी धुन में धुन थे दोनों के दोनों। वैसे एक बात बोलूं? बताओ। नहीं रहने तो आपको बुरा लग जाएगा। ना ही लगेगा बुरा, बताओ। कुछ नहीं आता आपकी बहू को। अरे रोटियों के ऐसे बड़े बड़े नक्शे बना देती है और घर का तो कुछ काम ही नहीं करती। देखो मैं जाती हूँ ना घर में, इतना गंदा घर होता है क्या बताऊँ मैं। और सारा घर का काम आपका लड़का ही करता है। कि हाँ खाना भी आपका बेटा ही बनाता है। सर्वगुण संपन्न है आपका बेटा। लगा ही था मुझे यह उसकी चमचागिरी ही करेगा। आंख तो लगा दी, धमाके का इंतजार करती हूँ। अच्छा हमारे प्लान के मुताबिक? हमारे नहीं तुम्हारे प्लान के मुताबिक। अभी उसके ख्याल। अच्छा बाबा मेरे प्लान के मुताबिक। वैसे मेरा ही प्लान है, मैं तुमसे अलग होना चाहती थी, डाइवोर्स करना चाहती क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। हमारा डाइवोर्स होने ही वाला है, हो ही जाएगा क्योंकि मैंने भी साइन कर दिया, तुमने भी साइन कर दिया, आप कोई नहीं रोक सकता। शीला जरा धीरे बोलो। क्या धीरे बोलूं? नहीं बोलूंगी मैं धीरे, जिसको सुनना है सुनने दो, मैंने डरती। क्या हुआ? इसलिए मैं बोल रहा था जरा धीरे बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो। नंदन जी कुछ जरूरी बात है। क्या बात है? आपने ऐसा सब कोई खट्टा बुलाया है, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? मुंह में क्या रसगुल्ला ठूस दिया? मैं बताओ कि अब तू बताएगी अपने मुंह से क्या हो गया? अब शीला ने कोई कांड कर दिया क्या? शीला क्या किया तूने? हाँ किसका नक्शा बनाया इस बार? कोई अपनी सास के चेहरे का तो नक्शा नहीं बना दिया? इतनी छोटी मोटी बात नहीं हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है। कोई लफड़ा तो नहीं? सर अब तेरी जबान नहीं चलेगी। क्यों? मेरे बेटे के आगे ही चर 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 चलती रहती है तुम्हारी जबान। माँ शांत बैठा। माँ क्या आगे तुम्हारा आवाज ही नहीं निकलता। ये बात कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बस 1 से 2 महीने के लिए बाहर चली गई और मेरे पीठ पीछे आपकी बेटी ने क्या किया बता रही हो? मेरे बेटे के साथ डाइवोर्स करने का प्लान बना दिया। अरे वाह, अरे क्या दुग्गा, लगता है इसमें माँ का भी हाथ है। ललिता कहीं इस सब में तुम्हारा तो हाथ नहीं? नहीं मैं नहीं हूँ इसमें शामिल। आप ही का हाथ होगा इसमें? चुप बैठ गया अगला भी। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा,
ऐसे कैसे कर सकती है आपकी बेटी? अरे पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी हुई है, और क्या कमी है मेरे बेटे में जो तू उसके साथ डाइवोर्स करना चाहती है? शीला क्या है ये? और प्रकाश जी, अगर आपकी बेटी को ऐसा करना ही था तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? माँ मेरी बात तो सुनिए। शांत बैठ, बात कर रही हूँ मैं। कुछ बोलिए ललिता जी, आपकी बेटी को आपने यही संस्कार दिया है? संस्कारों पे जाने का नहीं अभिजीत मदर। अरे शादी होके 3-4 महीने भी उनको कंप्लीट नहीं हुए, डाइवोर्स करने की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है? वैसे एक बात बोलूं, देखो छोटा मुंह बड़ी बात। किस एंगल से छोटा मुंह है इसका? सासुमा इधर इतना कुछ हो रहा है, आपको इस समय मदद सूझ रहा है? मुझे ऐसा लगता है ना, ये दोनों जो डाइवोर्स के फैसले के ऊपर आए हैं, उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? रीजन है शर्वरे। ठीक, आपका बेटा, बुरा मत मानना, सबको पता है, शर्वरी से प्यार करता था। आप ही बताइए साहब, किसी पत्नी को अच्छा लगेगा क्या उसका पति किसी दूसरी औरत? क्या बोल रही हो आप? दिमाग पर ठिकाने पे आपका। अभिजीत की मां ने पहले ही साफ साफ मना किया था, बोल दिया था वो सिर्फ बचपन के दोस्त है। झूठ बोल रही है, झूठ झूठ झूठ, सब पता है मुझे। आपको क्या लगा कितनी बड़ी झूठी है ना? आपको नहीं पता, मुझको पता है, अभिजीत शर्वरी से प्यार करता था। क्यों देवदास? अभिजीत करता था ना तो शर्वरी से प्यार? बोल बोल, सबको पता है। पापा मुझे भी पता है, अभिजीत शर्वरी से प्यार करता था, और शर्वरी भी अभिजीत से प्यार करती थी। इनफैक्ट शर्वरी ने मम्मी को खुद बोला था ये बात। ओए, तुमको पता था कि ये सब? अरे जब तुम दोनों को पता था ये सब है, तो शादी होने क्यों दी तुमने? पापा हम चाहते थे शादी को रोकना, बहुत कोशिश की हमने। मैंने तो प्लान किया था दुल्हन अदला बदली कर देंगे, पर एंड वक्त पे पता नहीं क्या हो गया और शर्वरी ने मना कर दिया। पता नहीं शर्वरी उस समय मंडप में क्यों नहीं आई। मुझे पता है शर्वरी क्यों नहीं आई। क्यों नहीं आई शर्वरी, बता दो क्या? बोलिए क्यों नहीं आई शर्वरी उस समय मंडप में? तेरी माँ ने उसको डराया धमकाया और जाने नहीं दिया। आपने शर्वरी को रोका? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ माँ, क्या आपने शर्वरी को आने से रोका? माँ इधर देखिए मेरी तरफ। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। बड़ा बेटे को शांत कर रही थी, अब खुद के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। क्या आपने शर्वरी को रोका? ये जो बोल रहे हैं वो सच है? शर्वरी ना आने के पीछे तेरी माँ का ही हाथ है, वही नहीं चाहती थी शर्वरी आए। क्या शर्वरी आना चाहती थी मंडप में और आपने उसको रोका? बोलिए। अभिजीत, अभिजीत क्या हुआ? शर्वरी क्या हुआ? आप चलो मेरे साथ। अभिजीत के कौन छो? शर्वरी मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, तुम्हें उसके साफ साफ जवाब देने हैं। सवाल? कैसे सवाल? और ये नहीं पूछना है तुम्हें ये कैसे पता, तुम्हें वो कैसे पता, ठीक है? ठीक है, तुम जो भी सवाल पूछोगे उसका मैं तुम्हें साफ साफ जवाब दूंगी। मेरी शादी होने से पहले सासुमा ने और शीला ने दुल्हन अदला बदली का प्लान किया था। तुमको ये कैसे पता? मैंने क्या कहा है? तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी, तुम्हें कैसे पता है क्या पता है? अब सॉरी। तुम मंडप में शीला की जगह बैठने वाली थी, पर एन वक्त पे वहाँ पे मुझे शीला ही दिखी। अब मुझे ये बताओ, क्या उस समय तुम्हें मेरी माँ ने रोका था? बोल शर्वरी, डर मत, हम सब तेरे साथ हैं। बोलो शर्वरी, क्या उस समय तुमको मेरी माँ ने रोका था? बोलो यार जल्दी, मुंह पे हर बार ताला लगा लेती हो, इसी की वजह से सब कुछ होता रहता है। हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे रोका। माँ क्यों आपने शर्वरी को रोका?
वो अगर आना चाहिए तो आपने उसको क्यों रोका? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं थी। और आपके बेटे को तो वो पसंद थी ना। आपकी पसंद से ज्यादा उसकी पसंद मायने रखती है। उसको उसके साथ पूरा जीवन बिताना है। हम कितने दिन के मेहमान हैं। आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था आपके बेटे के बारे में। अरे वो बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। और नहीं तो क्या, अभी जिसकी नजर में शर्वरी जी के लिए साफ साफ प्यार दिखता है। हाँ है उसका प्यार शर्वरी के ऊपर, पर शर्वरी का प्यार नहीं है उसके ऊपर। से वो भी करती है उससे प्यार। ऑटो तैयार भी हो गई थी मंडप में आने के लिए, पर ये स्पीड ब्रेकर आ गई ना बीच में। रोका मैंने, रोका उस दिन मैंने उसको शादी में आने से रोका। पर क्या मैंने उसको कैद करके रखा था? हाथ पैर बांधे थे, मुंह बांधा था? नहीं ना। अगर उसको तो इतना ही तुम्हारे ऊपर प्यार था तो आती मंडप में सबके सामने प्यार का इजहार कर देती, मानती मैं और कर देती तुम दोनों की शादी। पर वो तो आई नहीं। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। आपने साफ साफ कहा था अगर हमारी शादी हो गई तो आप उसको आशीर्वाद नहीं दोगी और अभिजीत से काफी दूर चली जाओगी। और मैं नहीं चाहती थी अभिजीत अपने माँ से दूर जाए। कितनी अच्छी है शर्वरी, उसने उस समय भी आपके लिए सोचा ना कि मेरे लिए। पर आपने किसी का नहीं सोचा, बस खुद की। ठीक है, हार गई मैं। बस करता है ना तू उससे प्यार और तू भी करती है ना इससे प्यार। ठीक है, तुम दोनों डाइवोर्स कर दो, तेरी और इसकी शादी कर देती हूँ। एक सवाल है मेरा शर्वरी से और मुझे इसका जवाब साफ सीधी भाषा में चाहिए। एक तरफ ये है तेरा प्यार और दूसरी तरफ तेरा जॉब। अब तुझे इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। बता किसको चुनेगी तू, अपने प्यार को या अपने करियर को? अरे क्या, ऐसे कैसे सवाल पूछ सकती हो अपने इस ब्यूटीफुल से? उसकी मर्जी, वो दोनों चुन सकती है। मैंने सवाल उससे पूछा है, आपसे नहीं। सर्वरी यही मौका है, इसको गवाना मत। बता अगर तू प्यार करती है मेरे बेटे से तो प्यार को चुन, और अगर तुझे अपना जॉब इम्पोर्टेंट लगता है, करियर इम्पोर्टेंट लगता है तो करियर को चुन। बहुत साफ सीधा सुतरा जवाब देना। शर्वरी जी बोल दो जो दिल में है वो बोल दो। घुमा फिरा के जवाब देगी तो मैं भी तुझे घुमा दूंगी। शर्वरी तुम्हारे पास यही मौका है, चुन लो अभिजीत को। मैं अभिजीत से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, पर मेरी अपनी कुछ प्रायोरिटीज हैं और मेरे लाइफ में सबसे पहले मेरा करियर आता है, उसके बाद बाकी सब कुछ। अगर मुझे जॉब और अभिजीत में से कुछ चुनना होगा तो मैं जॉब को चुनूंगी। बुरा मत मानना अभिजीत, पर मेरे घर वालों ने इसके लिए काफी ज्यादा सैक्रिफाइस किया है और उनके सपने में पूरे करना चाहती, बस यही बात है, इसलिए मैं जॉब को चुनती हूँ। वाह, देख देख देख, तू हमेशा उसको सबसे पहले रखता गया, पर वो उसके लिए तू कोई मायने नहीं रखता। ये मैं बहुत पहले से समझ चुकी थी। एक माँ को पता होता है उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत। इसने कभी तुझे चाहा ही नहीं, इसको तो बस अपना करियर का पड़ा है पहले से। क्या गलत है फिर इसमें? कुछ गलत नहीं है। तुझको जो करना है वो कर, पर मेरे बेटे के साथ प्यार का नाटक मत कर, समझी? शीला देख माफ कर मुझे, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में मेरे बेटे की शादी तुझसे कर दी, पर मुझे तुझ में वो बात दिखी तो मैं मेरी बहू में देखना चाहती थी। बुरा मत मानिया, पर शीला भी शर्वरी जैसा ही कर रही है। अभी देखिए जा रही है जापान अभिजीत को ठुकरा के डाइवोर्स करके, फिर शर्वरी और शीला में फर्क ही क्या रह गया? ठीक है, अगर शीला तू भी मेरे बेटे को छोड़ के जाना चाहती है, अपना करियर करना चाहती है, तो तेरे लिए दरवाजे खुले हैं।
मैं नहीं रोकूंगी तुझे। जा अच्छा बेटा चली जा, मत रह इसके साथ। मैं ये चाहती हूँ डाइवोर्स की बात तुम अभी मत करना। तुम्हें जापान जाना है, जॉब करना है, करो, पर रिश्ते को इतनी जल्दी मत तोड़ो। शीला ये देख, मैं भी इनकी बात से सहमति रखता हूँ, रिश्ते को इतनी जल्दी तोड़ना नहीं चाहिए। एक मौका देकर देखो अभिजीत को, अब वो पहले वाली गलतियां वापस नहीं दोहराएगा। शीला देख, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और इन सब की कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं है। तेरी लाइफ पे तेरा फैसला है, तुझे जो करना है वो कर। ठीक है, अभी हम डाइवोर्स नहीं करेंगे, पर जब मैं जापान से वापस आ जाऊंगी 2-3 हफ्तों में, तब जरूर हमारा डाइवोर्स होगा।